ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के जो डिमांड्स पे हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन साहब ने बता रहे थे कि ख़ास तौर से जो पिछले दो साल से जो एलबी नगर और कोयडा के अंदर जो फ्रूट मार्केट था वहाँ पर डिस्टर्ब होने की वजह से उनको दूसरी जगह पहाड़ी शहर में बिठाया गया। वहाँ पर जो मार्केटिंग के जो रूल्स होते हैं वहाँ पर AGS या ED को जो वहाँ पर जो बिठाकर उनको रजिस्ट्रेशन कराकर वहाँ की मार्केट को चालू कराने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ख़ास तौर से मेरे हल्के कारवान के अंदर जो फूल मार्केट है और वेजिटेबल मार्केट है तालागड्डे के नाम से, वहाँ पर जो किसानों को आकर रहने के लिए कोई सहूलत नहीं है। और उसी मार्केट के अंदर ख़ास तौर से शहर हैदराबाद के अंदर जितने भी मार्केट है उस मार्केट के अंदर चाहे वो एरागड्डा हो या फूल मार्केट हो या तालागड्डा वेजिटेबल मार्केट हो, दीगर मार्केट के अंदर जो मुस्लिम माइनॉरिटीज होते हैं उनको भी लाइसेंस देकर वहाँ पर सेटल करने की ज़रूरत है। और मैं आपके ज़रिए ख़ास तौर से फिर एक मरतबा फ्रूट मार्केट के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष गौरव कौसर मोहिदीन गार अड़ी मार्केट की संबंधी वो अक्बर गारू वार प्रसंग में लेवने इपू प्रस्तमेदे बाटा सिंगार मार्केट जो चला साफी जरूरत अध्यक्ष ये रकम इबंध ले पैगा इनकम का कोहेड़ने पर्मनेंट मार्केट एशिया चला बिगेस्ट अंड वंडरफुल कन्वीनियंट मार्केट कटने कोसम लेअट अंत तैयार त्वर में मुख्यमंत्री गारी आमोद पी अगर पन प्रारंभिस्तम वो मार्केट का काम वहाँ पे कोहेड़ में शुरू हो जाएगा पर्मनेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, वो वहाँ पे हम एक्शन ले रहे जल्द से जल्द हो जाता। वो क्या है पहाड़ी शरीफ का बोले तो नहीं नहीं सुनिए थोड़ा सुनिए ना, उसमें क्या है मार्केट को जो है सो नोटिफाई करना पड़ता और वहाँ पे जो कारोबार होता उसके लिए लाइसेंस चाहिए, वो बगैर कानूनी करे तो वो कानून के इस पर वो खिलाफ होता, वो सोच के करना पड़ता। आप लोगों से एक मीटिंग भी लेंगे, मैं वक्त लूँगा आप लोगों का लेके हमारे सेक्रेटरी साहब डायरेक्टर को बिठा के बाद असेंबली के बिठा के एक रोज़ बैठेंगे बात करेंगे कुछ ना कुछ उसको हल करने के वास्ते कोशिश करेंगे। अदे विधंगा कोबर्दी नेन ఒకసారి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో